चीज़ें आपको पढ़ा रहे हैं और बड़े ध्यान से इसको सुनना। अगर आपको शाब्दिक अर्थ नहीं आता है तो हम जो इसमें पढ़ा रहे हैं इसका शाब्दिक अर्थ ना ध्यान करके उसकी केवल केंद्रीय भाव जो उसका अर्थ है वो आपको आना चाहिए। वो आप लिख देंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, है ना। यही कहीं पर बिखर गई, यही कहीं पर बिखर गई वो भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं है या स्मृतिशाला सी, सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुत सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। तो यहाँ पर बच्चों पाठ का नाम लिख देना, झांसी की रानी की समाधि पर, और रचनाकार लिख देना श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान, है ना। और या तो संदर्भ में ये लिख देना कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक कक्षा 10 हिंदी के जो है झांसी की रानी की समाधि पर नामक पाठ से ली गई हैं, जिसकी रचयिता है ना श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान है, ये लिख देना। अब इस वीडियो केवल आप सुनिए और सुनोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। प्रसंग में वो चीज लिखी जाती है जहाँ का वर्णन किया जाए। तो इस प्रस्तुत पद्यांश में कवियत्री झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान को याद करते हुए उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं, यानी जो है इसमें कहा रानी लक्ष्मीबाई विषय में कहा गया है। व्याख्या में आप लोग ये लिखना कि यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि झांसी की रानी अपनी समाधि के आसपास ही, झांसी की रानी की जो समाधि बनी है, ये जो समाधि बनी इसी समाधि के आसपास कहीं पर, इसी भाई बहुत पहले रानी लक्ष्मीबाई लड़ाई किया था अंग्रेजों से, तो लेकिन उनकी समाधि अब भी झांसी पर बनी हुई है झांसी के अंदर। तो उस समाधि के आसपास सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही कि यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। भग्न माने टूटी हुई, विजय माला सी यानी उनका शरीर, जैसे माला का तोड़ दो तो उसी प्रकार से उनका शरीर माला की तरह बिखर गया था यही कहीं उस समाधि के आसपास, है ना। टूटी हुई विजय रूपी माला के समान बिखर गई थी उनका शरीर, है ना, समाधि के आसपास ही रानी लक्ष्मीबाई जो है यही टूटी हुई विजय माला की तरह अपनी समाधि के आसपास कहीं बिखर गई थी। और उसके फूल यहाँ संचित है हाया स्मृतिशाला से। बच्चों जब कोई आदमी मर जाता है और मरने के बाद जब उसको जलाया जाता है तो जो हड्डियाँ बचती उसको फूल कहते हैं, है ना। और उन फूलों को लोग कलश में भर करके कोई हरिद्वार ले जाता, कोई गंगा ले जाता। तो रानी लक्ष्मीबाई के शरीर भी जो बिखर गया था तो उनकी हड्डियाँ यानी फूल, है ना, युद्ध भूमि में अंग्रेजी सेना के साथ वीरता पूर्वक रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई किया और झांसी की रानी के शरीर के अंग, जो शरीर का जो अंग हैं यही कहीं पर वो बिखर गए थे। और इसी समाधि में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की हड्डियाँ, हड्डियों को ही फूल कहते हैं, है ना, लिखे हैं उसके फूल यहाँ संचित हैं हया स्मृतिशाला से। उनकी हड्डियाँ एकत्र करके रख दी गई थी और जिससे देश की एकत्र करके जो हड्डियाँ थी, जो शरीर के अंग थे, वही समाधि के अंदर एकत्र करके रख दिए गए थे। क्यों रख दिए गए थे? जिससे आने वाली पीढ़ियाँ, है ना, जिससे हम लोग और जो अब आने वाली पीढ़ियाँ जब उस समाधि को देखेंगी तो उनको रानी लक्ष्मीबाई की याद आएगी, है ना। भावी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियाँ उनके, किसके, रानी लक्ष्मीबाई के गौरवपूर्ण, है ना, है या स्मृतिशाला सी गौरवपूर्ण त्याग बलिदान से लोग प्रेरणा लेंगे। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि को देख करके लोग प्रेरणा लेंगे, उनके अंदर देशभक्ति की भावना जगेगी। इसलिए हया स्मृतिशाला से, स्मृत माने याद, यादों की शाला से, यानी यादें ताजी हो जाती हैं जब हम इस जो है उसको समाधि को देखते हैं, है ना। और
सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी। रानी लक्ष्मीबाई के विषय में कवियत्री सुमित जो है सुभद्रा कुमारी चौहान, कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहते हैं कि वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जीवन की अंतिम सांस तक, आखिरी सांस तक है ना, दुश्मनों की तलवारों के प्रहार सहती रहीं और लड़ाई भी करती रहीं। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी। और जिस प्रकार जो वो जो है बहादुरी के साथ, बहादुरी वीरांगना की तरह वो लड़ती रहीं है ना। आहुत से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। और जिस प्रकार यज्ञ कुंड में जैसे आदमी हवन करता है, यज्ञ करता है, तो उसमें हवन सामग्री ऐसे डालता है, उसी प्रकार से रानी लक्ष्मीबाई ने भी है ना जो है जिस प्रकार यज्ञ कुंड में आहुतियाँ पड़ने से आग प्रचंड रूप से धधक उठती है, जल जाती है, उसी प्रकार रानी लक्ष्मीबाई के आत्म बलिदान से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने शरीर को उस युद्ध रूपी हवन कुंड में अपने शरीर को आहुत कर दिया है ना, जिससे लोगों के हृदय में स्वतंत्रता की आग जले, लोग भी लड़ाई करें किससे, अंग्रेजों से। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई ने जो है आगे चल करके लोगों को प्रेरणा दी। रानी के इस महान आहुत से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। और रानी के, रानी लक्ष्मीबाई के इस महान त्याग ने अग्नि में आहुति का कार्य किया, अग्नि में आहुत का कार्य किया, जिससे लोग और लोग खूब हिम्मत उनकी बढ़े है ना, उत्साहित हो करके स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लगे। सब लोग, देश के लोग भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने लगे। जब रानी लक्ष्मीबाई आगे चल के लड़ाई कर रही थी तो लोग और भी लोग उनके साथ हो लिए, लड़ाई कर लिए, लड़ाई करने लगे और भी लोग है ना। और रानी लक्ष्मीबाई का यश सभी जगह फैल गया। कहने का मतलब कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ये कहना चाहती हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने देशवासियों को प्रेरणा दिया और खुद लड़ाई किया अंग्रेजों से, और उनको लड़ता हुआ देख करके देश के और लोग भी अंग्रेजों से लड़ गए। इसलिए रानी लक्ष्मीबाई एक प्रेरणा का स्रोत बनी और उनकी जो समाधि है उस समाधि से लोग शिक्षा लेते हैं कि यार जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने, देखो रानी लक्ष्मीबाई ने जैसे लड़ाई किया वैसे हमें भी अपने देश के लिए युद्ध करना चाहिए, अब हमारे अंदर देशभक्ति की भावना जगनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से इसको अच्छे से तैयार कर लेना। तो इस कविता में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता व बलिदान की गाथाओं का गान किया है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। भाषा बच्चों सरल सुबोध खड़ी बोली, रस तो देखो वीर रस है ही, वीर रस है ना। अब वीर रस का बहुत बढ़िया उदाहरण कि बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी वो थी, झांसी वाली रानी थी। ये वीर रस का बढ़िया छोटा सा उदाहरण है, आप इसको यूपी बोर्ड परीक्षाओं में भी लिख सकते हो है। और अलंकार यहाँ उपमा है, रूपक अलंकार अन श्लेष अलंकार है, भाव ओज है, शक्ति है ना यहाँ पर, गुण ओज है, शब्द शक्ति अविधा है ना। इस प्रकार से बच्चों इसकी अच्छे से तैयारी कर लो। धन्यवाद बच्चों, समझ करके लिखो अपनी भाषा में, यादवाद मत करो, हम जैसे पढ़ा रहे हैं इसको अपनी भाषा में लिखिए। अगर सभी लोग एक ही चीज़ लिखोगे तो आपका लिखा हुआ मैचिंग हो जाएगा तो नंबर कट जाएंगे, इसलिए समझ करके अपने आप लिखो। जैसे अभी हमने समझाया इस प्रकार उसको समझ लो और उसको लिखिए है ना। धन्यवाद।